जैसा कि आप सभी को कल मैंने बताई थी एक बात कि भैया भोजपुरी शेरनी यानी कि अक्षरा सिंह और घर के जो टीआरपी किंग बनते जा रहे हैं यानी कि प्रतीक सहजपाल, दोनों आपस में भिड़ गए थे। और भिड़ने की वजह थी कि किस तरीके से जब अक्षरा समझा रही थी उस वक्त प्रतीक ने अपना आपा खो दिया था और प्रतीक फालतू में बड़बड़ 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 कर रहा था, जिसपे अक्षरा सिंह ने कहा था तुम पागल वागल हो क्या, जिसपे प्रतीक और भी ज्यादा भड़क गया था। अब आप लोगों को बताऊंगा भोजपुरी कि इस अदाकारा अक्षरा सिंह की एक बात जिसे सुनकर आप दिल से बोलेंगे कि वाह यार क्या नेचर है इस बंदी का, लव यू अक्षरा। जी हां, सुनिए ध्यान से। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पे राहुल भोज के नाम से मौजूद हूं, तो वहां पर मुझे फॉलो भी कर लें। बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा की इस जबरदस्त अदाकारा की जो कि है अक्षरा सिंह। आपको बता दूं दोस्तों, तो कल के दिन बहुत बहुत भयंकर वाला झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में, बहुत भयंकर। लेकिन इवेंचुअली अगर आपने रात तक बिग बॉस देखा है, मतलब कि 2-3 बजे तक अगर लाइव देखा है, तो आपको बताना चाहता हूं कि अक्षरा सिंह ने प्रतीक के साथ बात करके उसका हाथ पकड़, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, ये देखिए, उसके साथ बात करके जो है कुछ कही हैं बातें। वो कहती हैं जब एक बार हाथ पकड़ लिया मैंने तो वो एंड तक चलेगा, और फिर उसके बाद उन्होंने माफी मांगी प्रतीक सहजपाल से और प्रतीक ने भी इवेंचुअली माफी मांगी। यार ये होता है बड़ा दिल। आप मतलब जरूरी नहीं कि बिग बॉस में आओ आप चिल्लम चिल्ली करो और अपने आप को यू नो एकदम सोफिस्टिकेटेड या बड़ा दिखाओ, नहीं, आप ऐसे भी दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। वाओ यार, ये पर्टिकुलर मोमेंट देखने के लिए तो मैं दिल से और भी ज्यादा तरस गया हूं कि जब ये प्राइम टाइम पर आएगा यानी कि जो 7 बजे से आता है उसमें आएगा। रियली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे फीफा फूज।